चलिए एक और एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बाइट्स में। टू गन्स वर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेसेस एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स, बट अ मैन सिटिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर्स द सेकेंड फायरिंग 26 मिनट आफ्टर द फर्स्ट। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 325 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंदी में भी एलाबरेट कर देते हैं, क्या कहना चाहता है। राइट, तो क्वेश्चन कहता है दो गन है, दो गन नहीं है, दो गन की फायरिंग है। ठीक, गन तो एक ही है, एक तरफ है एक पर्सन और दूसरी तरफ है गन की फायरिंग। जैसे मान लो मैं एक इस प्लेस को लेके चलता हूं, यहां से हमने गन को फायर करना है, ये गन का प्लेस है। यहां से मान लो एक बंदूक फायर की जाएगी, ठीक है, यहां से एक बंदूक फायर की जाएगी, जिसकी आवाज, इसकी जो आवाज है वो एक कोई पर्सन है जो इस गन की फायरिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो हम मान लेते हैं वो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ये वो मैन है जो यहाँ खड़ा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं गन की जो हाँ आवाज आ रही है उस दिशा में बढ़ने का प्रयास है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ने कहा गन की जब भी पहली फायरिंग होगी, यहाँ पे जितने बजे भी पहली फायरिंग होगी उसके 28 मिनट के बाद दूसरी फायरिंग होगी, मतलब दो राउंड के बीच का अंतराल 28 मिनट का है। ठीक है, अच्छा लेकिन वही पर्सन अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो 26 मिनट में उस आवाज को सुनता है। क्या है ये कहानी, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं ये लेके चलता हूं कि एक जगह पे गन पॉइंट है और दूसरी जगह आपके पास वो पर्सन जहां खड़ा हुआ है वो पॉइंट है। ठीक, अब कोई पर्सन या मैं यहां से लेके चलता हूं कि गन मान लो आपके पास, एक कोई अपने हिसाब से टाइम मान ले रहा हूं, मान लो 12 बजे फायरिंग हुई सबसे पहले। अब आप सभी को पता है साउंड को चलने के लिए मीडियम भी लगता है और समय भी लगता है। तो हम मान के चलते, एक मोटा मोटा हिसाब लेके चलते हैं कि इस पर्सन ने, जो मैन यहाँ खड़ा हुआ है, इसने 12 बज के 10 मिनट पे ये आवाज सुनी होगी। राइट, इसको नून ले लो तो ये पीएम बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप सोचोगे सर पता नहीं कितने हैं, सुबह के तो नहीं है, रात के तो नहीं है, है ना, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत खुरा पाती है ना, लेकिन हम उसको ध्यान रखते हुए चीजों को बता रहे हैं। तो सुनो भाई, तो मान लो 12 बजे कोई फायरिंग हुई है तो 12 बज के 10 मिनट पे इसने आवाज सुनी है। अब ये तो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है भाई, ये आगे बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअस, बढ़ते बढ़ते मान ले अब इस पॉइंट पे आ गया ये मैन, कौन ये मैन, मान लो इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई दूसरी फायरिंग, ये तो फर्स्ट हो गई, अब सेकंड फायरिंग कितने बजे होगी, तो क्वेश्चन कहता है सर 28 मिनट के बाद होगी, इसका मतलब 12 बज के 28 मिनट पे दूसरी फायरिंग होना चाहिए, क्योंकि पहली फायरिंग 12 बजे हुई है तो 28 मिनट के बाद मतलब 12 बज के 28 मिनट के बाद फायरिंग। लेकिन इस पर्सन ने इस फायरिंग को सुना है, मतलब इस आवाज को सुना है, जितने बजे पहली फायरिंग सुनी गई थी उसके 26 मिनट के बाद उस बंदे ने आवाज सुनी है, तो मुझे बताओ कितने बजे सुनी। तो आप कहेंगे सर 12 बज के 36 मिनट। कैसे भाई, 12 बज के 10 मिनट में यदि मैं बोलूँ 26 मिनट जोड़ दो प्यारे बच्चे, तो आप 12 बज के 36 मिनट ना कहोगे। ये बात भी सबको क्लियर हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, इस आवाज को इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितना मिनट लगा। तो आप कहेंगे सर 10 मिनट का समय लग रहा है। कितना मिनट का समय लग रहा है प्यारे बच्चे, 10 मिनट का समय। लेकिन यदि हम सेकंड सिचुएशन को एलाबोरेट करें, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आवाज को पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो 12 बज के 28 मिनट से 12 बज के 36 मिनट का समय आप सीख पा रहे हो सर 8 मिनट का समय दिखाई दे रहा है। कितने मिनट का, 8 मिनट का। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से यहां तक आवाज को 8 मिनट लगे और आगे जाने में पूरा टोटल 10 लगा, तो हम कह सकते मात्र 2 मिनट लगे होंगे, मतलब साउंड को यहां से यहां पहुंचने में, साउंड को यहां से यहां पहुंचने में मात्र 2 मिनट लगते हैं। लेकिन लेकिन उस इंसान को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में सर कितने मिनट लगते हैं, तो भाई क्वेश्चन कहता था 26 मिनट लगे।
हम देख भी पा रहे हैं 12:10 से 36 मतलब 26 मिनट लगे। तो आप सभी को पता होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, ध्यान सुनिएगा, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट होती है तो मेरे प्यारे बच्चे स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ हमेशा इनवर्स होता है। ये पॉइंट अपनी कॉपी में आप लिख लें, ठीक है। तो बस हमने देखा कि भाई उस मैन को उस डिस्टेंस को चलने में, उस मैन को उस डिस्टेंस को चलने में 26 मिनट लगते हैं, लेकिन सेम डिस्टेंस जो साउंड चल रहा है वो मात्र 2 मिनट में चल ले रहा है। तो मुझे बताओ यदि हम यहाँ से टाइम का रेशो निकालें तो यहाँ पे 13:1 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, साउंड की जो चाल है वो कितनी लेके चल रहे हैं? 13। मैन की चाल क्या हो गई सर? 1। तो मेरे क्वेश्चन ने यहाँ पे साउंड की चाल दे रखी है 325 मीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 13 यूनिट की वैल्यू हम सीधा कह सकते हैं ये 325 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो मुझे बताओ उस मैन की चाल क्या होगी? तो भाई 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 26 और 13 पंजे 65, मतलब ये बात हमारी 25 गुना हो रही है। इसका मतलब ये 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर ना होगा। लो भाई क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। कितना आंसर आया? तो हमारा जो आंसर बना है वो आंसर ये रहा, ये बना है 25 मीटर पर सेकेंड। बस ऐसे बनाना। इसका यदि हम शॉर्टकट जाने तो इस पूरे क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं। यदि हम इतनी बड़ी पिक्चर नहीं क्रिएट करना चाहते, यदि हम इतनी बड़ी पिक्चर क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स पैटर्न का होता है। कैसा होता है? फिक्स पैटर्न का होता है। तो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन पे कभी भी हमें हर चीज ड्रॉ नहीं करना होती, क्योंकि हम पहले से प्रैक्टिस करे होते हैं। तो आइए जरा हम उसका थोड़ा सा एक शॉर्टकट बताने का प्रयास करते हैं। ये शॉर्टकट बहुत शानदार है बेटा, इस शॉर्टकट को ध्यान से सीख लो। और पिछला मेथड यदि नहीं समझ आया हो, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना। भला है 10 बार देखना पड़े, लेकिन समझना जरूर, वही बहुत बड़े काम का है। शॉर्टकट भी याद रखो। लेकिन अब सुनो, हमेशा ध्यान रख लो, हमेशा ध्यान रख लो, जो ऑब्जेक्ट मूविंग में है, जो ऑब्जेक्ट मूविंग में है, यहाँ मूविंग कौन है? सर मैन है, क्योंकि मैन ने अपनी जगह को परिवर्तन किया हुआ है। तो हमें मैन का समय पूरा पूरा लिखना है। मैन का समय क्या लिखना है? पूरा पूरा लिखना है, जो कि हमें दे रखा था। कितना? तो हमें दे रखा था सर 26 मिनट। अच्छा, जो चीज फिक्स है, क्या फिक्स है? तो आप कहेंगे सर फिक्स आपके पास गन की पोजीशन है, बस उसका इंटरवल अलग है। तो गन का होगा साउंड। तो भाई जो आपके पास मैन की स्पीड, मैन का टाइम दे रखा है, और जो आपके पास साउंड का टाइम दे रखा है या इंटरवल का टाइम दे रखा है, इंटरवल का टाइम सर 36 मिनट था, सही है? नहीं, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। देखो 28 मिनट यहाँ है, 26 मिनट है, 28 है, सॉरी, है ना? तो ये जो आपके पास है 28 मिनट, कितने मिनट है? 28 मिनट। तो हमेशा और हमेशा ध्यान रख लो, जो साउंड ऑफ मतलब जो फिक्स है, जो एक ही तरफ से जाने लग रही है, उसके लिए हमेशा और हमेशा मैन और साउंड का डिफरेंस ले। तो आप कहोगे सर ये डिफरेंस कितना है? 2 मिनट। बस ये 2 मिनट यहाँ लिख दो और यहाँ पे 36 मिनट पूरे के पूरे लिख। अब ध्यान रखो जो चेंज है उसको पूरा पूरा लिखना है, और बाकी बचा हुआ जो दूसरा केस चल रहा है उसका डिफरेंस लेना है, बस ये याद कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम का रेशो आ गया वो 13:1 आ गया। तो प्यारे बच्चे स्पीड का रेशो भी निकाल सकते हैं हम लोग, वो हो जाएगा 1:30। अब इसमें साउंड की स्पीड हमें दे रखी है, तो 13 की वैल्यू 325 दे रखी है बच्चे। कितनी दे रखी है? 325 दे रखी है। एक बार फिर से बता देते हैं, ये 325 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है? तो भाई ये इस नंबर का कितना मल्टीपल है? तो आप कहेंगे सर ये संख्या का 25 गुना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये संख्या 25 गुना यदि हम कर देंगे तो ये बनेगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये रहा इसका सही उत्तर, ये रहा आंसर। तो मुझे लगता है शॉर्टकट भी आपको समझ आ गया होगा, और जो पिछला मैंने डिटेल तरीका बताया वो भी समझ आ गया। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, जो आपके पास सीरीज चल रही है एप्टीट्यूड के ऊपर, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर जो मैं सीरीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको बाइट्स कह सकते हैं। छोटी छोटी ये बाइट्स हैं जो आप जरूर सीखिए,
इससे आपका जरूर डेवलपमेंट होगा। थैंक यू, जुड़े रहिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। मिलेंगे फिर से हम अगले वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।